पावर जनरेटिंग कंपनी का 85 लाख की लागत का पहला ऑक्सीजन प्लांट जो सिंगाजी ताप परियोजना में शाम 6 बजे फेज 1 हाइड्रोजन प्लांट 50 मीटर दूरी पर बना है वहां पर पहुंचा तो सभी अधिकारी वहां पहुंचे और हाइड्रो के द्वारा नीचे उतारा गया, जिसके बाद उसे पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया, उसे चालू करने की तैयारी में लगा गया। बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट अहमदाबाद की एरावस कंपनी के इंजीनियर की देखरेख में लगाया जा रहा है। प्लांट आने के बाद ऑक्सीजन बनाने के लिए हाइड्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन प्लांट तक 50 मीटर की लाइन डाली गई है, जिसको सावधानी से जोड़कर टेस्टिंग करने के बाद यहां से प्रतिदिन 10 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे, जिसका पहले उपयोग मुंदी कोविड सेंटर में किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अभियंता वी के कैलासिया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता ए के शर्मा, आर पी पांडे, एस के पेंडोर, अधीक्षण अभियंता एस के मालवी सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी प्रयास में लग गए ताकि जल्द पावर जनरेटिंग कंपनी का पहला ऑक्सीजन प्लांट चालू हो पाए। 99.9 ऑक्सीजन वातावरण में होती है बर्बाद, जिसका अब जीवन बचाने के लिए होगा उपयोग। परियोजना के फेज 1 के हाइड्रोजन प्लांट से वातावरण में 99.9% ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता था जो बर्बाद हो रही थी। आज प्रदेश सहित देश में ऑक्सीजन की किल्लत से गुजर रहा है। ऑक्सीजन समय पर नहीं मिलने से कई लोगों का जीवन संकट में पड़ रहा है। पुनासा तहसील से लगने वाले पहले ऑक्सीजन प्लांट से बर्बाद होने वाली ऑक्सीजन को शुद्ध कर सिलेंडर में भरा जाएगा। जानकारी के अनुसार प्लांट चालू होने पर 1.5 घंटे में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जा सकेगा। टीम भारती न्यूज। बहुत प्रतीक्षित हमारा ऑक्सीजन प्लांट अहमदाबाद से अभी शाम को आज पहुंचा है। इसका इरेक्शन कमीशनिंग का काम आगे किया जाएगा। कंपनी का एराक्स कंपनी का सर्विस इंजीनियर यहाँ पे है। ऐसी उम्मीद है कि हम शीघ्र किसी ऑक्सीजन उत्पादन प्रारंभ करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.